ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के पेज पे जब हम तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का एरर देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेबल टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन प्लीज ट्राई लेटर, एरर देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके बाद तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं कल या परसों से दो दिन से लगातार देख रहा हूँ, जब भी मैं तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता हूँ 10:58 मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद प्लान वाइज जोनी सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही 11 बजता है और इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पैसेंजर डिटेल फिल कर लेता हूँ। पैसेंजर डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे 40 से 45 सेकेंड प्रोसेस पे लगता है। इसके बाद कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट कर लिया, 2 से 3 मिनट, फिर भी कुछ इस तरह के ही एरर देखने को मिल गया और इसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है जिससे आप बिल्कुल आसानी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है फिर भी आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये IRCTC पे जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से पहले आपको अपने PC या लैपटॉप को हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जब भी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो एक से दो नाम बुक करना है। यानी कि 1 से 2 नाम बुक करेंगे तो आपको 30 से 35 सेकेंड प्रोसेस मिलेंगे। इसके बाद बहुत जल्द आप सेकेंड पेज पे चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे गलती क्या करते हैं, 3 से 4 नाम होता है तो यहाँ पे हमें 40 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक वेट करना होता है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, इसलिए इस तरह के एरर देखने को मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले हिस्ट्री डिलीट करना है। सेकेंड में आपको लॉगिन करने के बाद 1 से 2 नाम तत्काल टिकट बुक करना है। यदि इसके बाद भी ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को करना क्या है, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल करना क्या, आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना है। इसके बाद जो एरर दिख रहा है कुछ इस तरह से, इसको सबसे पहले क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इसको फिर से आपको कंटिन्यू करना है, 15 से 20 सेकंड वेट करके करना, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी यानी कि 2 सेकंड 4 सेकंड में आप करोगे तो यहाँ पे आपको IRCTC के पेज लॉग आउट हो सकता है। यदि पेज लॉग आउट हो जाएगा तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन जब करेंगे तब तक तत्काल टिकट खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं एक टिकट बुक करना चाह रहा था दिल्ली से हावड़ा के लिए, यानी दिल्ली से बर्धमान के लिए पूर्वा एक्सप्रेस में, तो कुछ इस तरह के एरर आ रहा था। मैं यहाँ पर 15-20 सेकेंड वेट किया और 3 से 4 बार जैसे किया था हमारा सेकेंड पेज पे मैं चला गया था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैं बिल्कुल आसानी से तत्काल टिकट पूर्वा एक्सप्रेस में मैंने बुक किया था। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट मैंने यहाँ पे पेटीएम से किया था। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।